यहाँ हम इतने ज्यादा परेशान हैं और यहाँ ये खराटे मार के सो रही है। इसकी लड़ाई की टेंशन हमें हो रही है। अदिति, सोनपरी, सोनपरी उठ जा। अरे अरे सोन पापड़ी, मतलब सफेद परी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नारे देते हैं, अच्छी खराब कर दे। तुम्हारी सबरीना चोरल के साथ लड़ाई होने वाली है, उसकी ट्रेनिंग नहीं करनी क्या? जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, हमें ट्रेनिंग पे जाना है। हाँ दीदी चल, मैं भी तेरी मदद करूंगा ट्रेनिंग में। अच्छा वो तो ठीक है, पर राहुल और काली परी कहाँ है? अरे वो पताल लोक में ना किसी चुड़ैल के साथ उनका मैटर हो गया है, तो वही सुल्ताने गए हैं। मैं तुम्हारे कपड़े देती हूँ, जल्द से जल्द तैयार हो जाओ ट्रेनिंग के लिए। श्रिंगलिंग, ये लो अपने कपड़े, जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। जब जादू है मेरे पास तो मुझे कहीं और रेडी होने की क्या जरूरत है? जादू कब काम आएगा? श्रिंगलिंग देखा, हो गई मैं रेडी। चलो अब ट्रेनिंग के लिए। श्रिंगलिंग मैं थक गई और मैं नहीं भाग पाऊंगी। और एक बात बताओ, मैं परी हूँ ना? हाँ। मुझे जादू आता है ना? हाँ। मैं सबरीना चुड़ैल से जब लड़ूंगी तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हूँ ना? हाँ। तो हाँ हाँ के बच्चों, तो पहले नहीं बोल सकते थे मुझे? फालतू में इतनी सारे ट्रेनिंग क्यों करवाई? सुबह सुबह उठा दिया, एक्सरसाइज करवा रहे, भगा रहे। थक गई मैं, जा रही हूँ वापस। ये तो बात इसने सही करी, चलो हम भी चलते। तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। तैयार हो ध्रुव? हाँ हाँ मैं भी तैयार हूँ, लेकिन लड़ाई तो इसकी है ना सबरीना चुड़ैल से, फिर मैं क्यों तैयार हूँ? चलो सबरीना को बुलाते हैं लड़ाई के लिए। सबरीना चुड़ैल प्रकट हो, सबरीना चुड़ैल प्रकट हो, सबरीना चुड़ैल प्रकट हो। तुम कौन हो? मैं हूँ मारिया, सबरीना की बड़ी बहन। मारिया, अरे तुम पे तो गाना भी है ना, मैं सुनाऊं? मारिया मारिया सेनोरिटा मारिया टिगेरो टिगेरो फेंक दो ना मारिया। ये इंसान बहुत बोल रहा है, सोन परी से पहले इसको ठिकाने लगाती हूँ। फट फट स्वाहा। मम्मी मम्मी मुझे बचाओ, मुझे नीचे उतारो। अरे मेरी क्या गलती है, मुझे नीचे उतार दो प्लीज। आया मजा? ये क्या किया तुमने? तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, जो करना है मेरे साथ करो। उन इंसानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कहती हूँ उसको नीचे उतारो। वैसे तो बात तो सही कह रही है सोन परी, इससे पहले ना तुझे ठिकाने लगाती हूँ। ये बस बाहर से दिखने में सुंदर है, अंदर से बहुत खतरनाक है। ठीक हो ना ध्रुव? हाँ। तुम्हारा बहुत हो गया है, मुझे एक बात क्यों नहीं बताती? क्यों आई हो धरती पे? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? शादी क्यों नहीं आते? नहीं, मुझे बच्चों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। बस बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिया तुमने बच्चों को। एक काम करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, जो लड़ाई में जीत गया उसी की चलेगी। अगर मैं जीत गई तुम वापस पताल लोक चली जाओगी, और अगर तुम जीत गई जैसा तुम चाहोगी फिर वैसा ही होगा, मंजूर है? हाँ ठीक है, पर एक सेकेंड, कॉम्पिटिशन में थोड़ा चेंज है। लड़ाई करते करते मैं परियों से बहुत थक गई हूँ, अब कुछ और करेंगे इंटरेस्टिंग। क्या करना है तुम्हें बताओ फिर। जैसे आज हम करते हैं
बाइक और स्कूटी रेसिंग, मंजूर है? ठीक है, किसी का खून भी नहीं बहेगा और पता भी चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, मंजूर है हमें? मुझे भी मंजूर है। तो चलो चलते हैं। 1, 2, 3, गो! अरे याद है, याद है, मुझे तो स्कूटी चलानी नहीं आती, पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था। मम्मी, अरे यार क्या चैलेंज कर लिया मौर्या चुड़ैल से। क्या हुआ, तुम्हारी परी मानी सोनपरी को स्कूटी चलाना नहीं सिखाया? क्या है ना, मुझे ना बचपन से स्कूटी नहीं आती, इसलिए तुम जीत गए हो, नहीं तो मैं जीत जाती। खैर अब तो तुम लोग हार चुके हो, अब तो तुम वही करोगे ना जो मैं बोलूंगी। देखो कंपटीशन ना बराबरी का होता है, तभी तुम जीत सकती हो। अब चलो लड़ाई करते हैं, तुम्हें भी लड़ाई करनी आती है और मुझे भी, तो बराबरी का कंपटीशन करते हैं अब। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तू पिछले जन्म से बहुत जिद्दी है। पिछला जन्म क्या कहना चाहती हो तुम? तूने पिछले जन्म में लोगों का बहुत बुरा किया था, उन्हें बहुत सताया था। मुझे नहीं याद मैं पिछले जन्म में क्या करती थी। तुझे याद नहीं अपना पिछला जन्म? मुझे यकीन नहीं होता मैं लोगों का बुरा कैसे कर सकती हूँ। क्या मुझे बताओगी, मेरे को पिछले जन्म में ले जाओगी? ठीक है फिर तेरे घर चलते, वहाँ आराम से बैठ के बात करेंगे। तो क्या है ना, वहाँ बहुत गर्मी है। ठीक है चलो फिर घर। सोनपरी क्या तुम्हें इस पे भरोसा है? भरोसा तो मुझे किसी पे भी नहीं है, पर मुझे अपना पिछला जन्म जानना है तो मुझे उसको लेके जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं। मौर्या चुड़ैल, अगर तुम्हारा खाना पीना हो गया होगा तो तुम कृपया करके मुझे बताओगी कि मैंने पिछले जन्म में क्या क्या किया है, क्या क्या गुनाह किया है, वो सब मुझे जानना है। तुम्हें बहुत जल्दी है ना अपना पिछला जन्म जानने की, जिसमें तुमने छोटे छोटे बच्चों से कैसे चोरियां करवाई हैं, कैसे तुमने लोगों से लड़ाइयां करवाई हैं। रुको दिखाती हूँ अभी। ये क्या देख रही हूँ मैं, इन दोनों की दोस्ती हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है जब मैं यहाँ पे हूँ तो? अभी इनकी लड़ाई करवा देती हूँ। श्रृंगलिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदले। तू पागल है क्या, मुझे क्यों थप्पड़ मारे? मैं तो पार्क में माफी मांग लिया, तू बार बार मुझे मारते हो, पागल है तू क्या? हाँ वो तो पता है, पर मैं मान नहीं रही हूँ, पर हमने अभी फिर से मारे। यार मैं खुद नहीं मार रही, पता नहीं क्यों अपने आप ही चाटे पे चाटे लग रहे हैं तुझे, मैं अपने हाथ को रोक रही हूँ। मैं आपको आवाज दे रही हूँ, आप प्रकट हो। सबरीना आपकी मदद चाहिए, सबरीना चुड़ैल मुझे आपकी मदद चाहिए, सबरीना चुड़ैल मुझे आपकी मदद चाहिए। लगता है पृथ्वी पे बच्चे मुझे बुला रहे हैं, लगता है ये चाहते मैं इन्हें अभी खा जाऊं, या फिर परी ने इनको अपना असली रूप दिखा दिया। चलो चलती हूँ इनका हाल चाल पूछने।
लगता है किसी ने परी का साथ छोड़ दिया या फिर परी ने अपने बच्चों का साथ छोड़ दिया, इसलिए तुमने सबरीना छुड़ैल को याद किया है। बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ सबरीना छुड़ैल, आपने सही कहा, परी ने अपने बच्चों को छोड़ दिया। वो मुझ पे हंस रही थी जब मैं गिर गई, वो कितनी बुरी है। आप सही कह रही थी, मैं आपकी जैसी बनना चाहती हूँ, खतरनाक भयंकर शक्तिशाली चुड़ैल। अच्छा तो छोड़ दिया ना, मैंने तुमसे कहा था कि परियां किसी की नहीं होती, होती हैं तो चुड़ैलें होती हैं सबकी। बुराई करने में सबसे नंबर वन तुम्हें मेरे जैसे बनना है। जितना तुम सोच रही हो ना बच्ची, उतना आसान नहीं है मेरे जैसे बनना। बहुत बुरे काम करने होते हैं, कर पाओगी तुम? आसान नहीं है, मुझे आसान काम पसंद भी नहीं, मैं मुश्किल से मुश्किल चीजें कर सकती हूँ। चाहो तो आजमा लो। ठीक है फिर, पर क्या क्या बुरा काम करना होगा? चोरी करनी होगी, लोगों को दुख देना होगा। कर लोगी ना? चोरी? मैंने तो आज तक मम्मी के पर्स में से 2 रुपए चुराए हैं, इससे बड़ी चोरी तो नहीं करी। तुम्हारी तो बोलती बंद हो गई, लगता है नहीं कर पाओगी। जाओ यहाँ से फिर। नहीं 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 नहीं, अब कहीं मत जाओ, अब जैसे बोलोगी वैसा करूंगी। तो तैयार हो फिर तो? उन लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, तो जब मैं उनको दूंगी तो मुझे भी बुरा नहीं लगेगा, मैं आपके साथ हूँ। तो चलो तुम्हारा साथ देने चलती हूँ मैं अभी। किसी को पता नहीं चलेगा मैंने चोरी करी है, इतनी शरीफ जो लग रही। नहीं नहीं, ये छोटे बच्चे चोरी कर रहे हैं मेरे कहने पे, ये छोटे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं मेरे कहने पे। नहीं नहीं, मारे जुड़ल, कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है, ये मैं नहीं हूँ। काश मैं ये बोल पाती, ये सब झूठ है, पर ये सब सच है सोनपरी। मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी बुरी, मुझे अपने आप में शर्म आती है, मैं कहती हूँ। सोनपरी तुम्हें इस चुड़ैल की बातों को अपने दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इनको अपने दिल पे पहले ही ले चुका हूँ। सोनपरी तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी परी हो, और ये सब तुम्हारा पिछला जन्म है। परी माँ ने तुम्हारी अच्छाई देख के तुम्हें चुना है, और तुम्हें हम सबसे ज्यादा शक्तियाँ दी है। ये लोग तुम्हें बहका रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर करना चाहते हैं। अब तुम ही चूज करो कि तुम्हें इन लोगों के साथ रहना है या अपनी सच्चाई जाननी है। मुझे सच्चाई जाननी है, मैं जानना चाहती हूँ। पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वो क्या है ना, वो स्क्रीन बहुत बड़ी है, और जो तुमने काम करवाया है ना लोगों से गलत गलत, वो भी इस स्क्रीन में आ नहीं पाएंगे, और ये तुम्हारा छोटा सा घर बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं सोनपरी, तुम्हें इसके साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे चलते हैं ना, टाइम पास भी हो जाएगा। देखो सोन पापड़ी, मेरा मतलब की सफेद परी, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत चाहती हो, मुझे बहुत पसंद करती हो, पर देखो मुझे भी सच जाने का पूरा हक है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था पिछले जन्म में, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा इसके साथ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बस चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। तो सोच लिया सोनपरी, चले फिर हम। मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। तो सोनपरी तैयार हो तुम अपना सच देखने के लिए? हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है फिर दिखाती हूँ अभी। तू तो छिपदूता, मुझे छोड़ूंगी नहीं मैं अब सोनपरी। भविष्य वर्तमान बदलें। सोनपरी, सबरीना, कुछ नहीं हुआ मुझे बच्चों, कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो। इस सबरीना को तो अभी मैं बताऊंगी, दिन में इसको तारे दिखाऊंगी। इत्तु बित्तु छिंपदूता। नाच रे नाच धनो, नाच रे नाच धनो।
देखो देखो कैसे डांस कर रही है, तुम्हें बहुत नचाया ना सबरीना ने। अब देखो मैं इसको अपनी छड़ी से कैसे नचा रही हूँ। देखो किसी मासूम से तो उन पर ही कैद हो गई है। पर बना दिया अरे सोन पर ही बेचारा। देखो देखो मेरी छोटी सोन पर ही कैसे जम गई है, हिल भी नहीं पा रही। तुम्हारी सोन पर ही अब नहीं बचेगी बच्चों, क्योंकि वो अब मेरे हाथों है। परी माँ मेरी मदद करो, ये कैसे हो गया, तो नामुमकिन है। अभी बता दियो तुम्हें, इतना बिता छिपा दूँगा। सोन परी मुझे नीचे उतार। तो सबरीना चुड़ैल ऊपर की हवा कैसी लग रही है, ठंडी या गर्म? ऐसे ऊपर पहुँचते पहुँचते तुम पाताल लोक पहुँच जाओगी। हवा का तापमान तो तुझे नीचे आके बताऊंगी, पहले तो मुझे नीचे उतार। मुझे इसमें मुझे मेरी मलिका याद दिलाती, तू नीचे उतार मुझे। अब तो देख तूने मुझसे पंगा लिया है सोन परी। ऐसा कौन सा जादू इस्तेमाल करने वाली हो तुम? श्रिंग ब्लिंग सर बड़े भूत भविष्य वर्तमान बदले। तुमने मुझे इस बोतल पे कैद कर दिया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे कुछ नहीं होगा बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा। सबरीना मुझे बाहर निकाल इस बोतल से। बच्चों तुम तो गए। क्या देखा तुम अपनी ही हमशक्ल से कैसे लड़ रही हो? मारिया चुड़ैल ये सच में मैं ही हूँ। हाँ सोनपरी ये तुम ही हो। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ये मैं हो ही नहीं सकती, ये मैं हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मैं अपनी हमशक्ल से लड़ाई कर रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अच्छी परी थी, मैं तो बच्चों की प्यारी थी, और मैं तो यहाँ खुद लड़ाई करवा रही हूँ। सोन परी तुम रो मत, तुम बहुत अच्छी परी हो, और ये सब तो तुम्हारा पास्ट है, पिछले जन्म में ये सब हुआ है। इस जन्म में तो तुम बहुत अच्छी हो और बच्चे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तुम एक बहुत अच्छी परी हो। नहीं सोन पापड़ी, मेरा मतलब कि सफेद परी। तुम ये सब मेरे दिल की तसल्ली के लिए बोल रही हो ताकि मुझे बुरा ना लगे, और असल में सच्चाई तो कुछ और है। मैंने बच्चों को कितना तंग किया, कितनी मार पिटाई करी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सोन परी मिल गई तुम्हें खुशी? क्या मिला तुम्हें सोन परी को बर्बाद करके, बोलो ना। मुझे बहुत खुशी मिली, और वैसे भी मैंने उसे सिर्फ सच का आईना ही दिखाया है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। सोन परी ध्रुव चल मेरे साथ। अरे तुम जाओ ना, मैं यही ठीक हूँ। हे जा यहाँ से। ओए माँ जा रहा हूँ दारो, पर जल्दी जरूर आऊंगा। मारिया चुड़ैल। सोन परी रुको, सोन परी पीछा करना छोड़ दो तुम लोग। हे गाइस कैसे आप सब, कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बेको बेको मत भूलना, और वीडियो को फैला दो यार, आग लगा दो वीडियो को, देखो और पिछली वीडियो के लिए भी सॉरी अगली वीडियो के लिए रेडी रहो, क्योंकि धमाका आने वाला है। अभी तब से बोल रहे हो धमाका आ रहा है, बट एक्चुअल में आ रहा है यार। वो शूट हो जाए तो फिर वो वीडियो आएगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलते जल्दी प्यार से लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।